ग्यारह सौ बयासी ईस्वी में एक ईसाई लश्कर ने हिजाज से मिसिर को वापस जाने वाले हाजियों के काफिले पर हमला किया और उसे लूट लिया एक मिसरी वाक्य निगार लिखते हैं कि सुल्तान सलाहुलद्दीन ऐूबी की बेटी भी इस काफिले में थी लेकिन किसी और मार्फ या उस वक्त के वाक्य निगार ने ऐसा कोई वाक नहीं लिखा तहम एक इशारा एक वाक्य निगार की तहारीफ से मिलता है जो की कुछ इस तरह से है की जब सुल्तान सलाहुद्दीन ऐूबी को इतला मिली के रिचनाल्ड की फौज ने मिसिर के एक काफिले को लूट लिया है तो सुल्तान सलाहुद्दीन ऐूबी की गजम नाक और गरजदार आवाज़ सुनाई दी उसमें मेरी बेटी थी मैं उसका इंतकाम लूंगा सुल्तान सलाहुद्दीन ने उसी वक्त कसम खाई की रिजनार्ड को मैं आज से अपना जाति दुश्मन समझता और मैं कसम खाता हूँ अपने हाथों से जहन रसीद करूँगा सो सुल्तान ने ईसाइयों को सबक सिखाने के लिए हतीन के मकाम को मैदान जंग बनाने का फैसला किया ये हतीन दरअसल फलस्तीन का एक गुमनाम सा गाँव था लेकिन सुल्तान सलाहुद्दीन ऐबी ने उसे वो इज्जत बख्शी के सलीबी दुनिया की चंगी बारीख आज भी तस्से कर ते नजर आते हैं कि आला जंगू के इस हीरो ने कैसे दुश्मन को ऐसी शर्मनाक शिकस्त दी कि सीबीओ के एक के सिवा बाकी तमाम हुक्मरान तमामी कैदी बन चुके सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी हमेशा जुम्मा के मुबारक दिन ही मैदानी जंग सजाते और हतीन को कूच करने के लिए भी सुल्तान ने जुम्मा का दिन मुंतखब किया ये पंद्रह मार्च ग्यारह ईस्वी का दिन था सुल्तान ने फौज का एक हिस्सा साथ लिया और करक किले के करीब हेमाजन हो गए सलीबी जासूसा ने फौरन अपनी एतिहादी अफवाज को खबरें पहुंचाई कि सुल्तान अयूबी करक के करीब खेम जन हो गया है उससे ये मतलब लिया गया की सुल्तान करक का करेंगे लेकिन सुल्तान का मकसद हज से आने वाले मिसिर और शाम के काफलों की हिफाजत थी ऐसी उन पर करक के करीब ही हमला हुआ करते थे जब सुल्तान सलाहुद्दीन सुल्तानी को यह खबर दी गई कि हाजियों के काफले गुजर गए हैं तो सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी ने 28 मई ग्यारह सौ सतासी ईस्वी के रोज मिसिर और शाम के करीब एक जगह पर पड़ाव डाला सुल्तान का ये इरादा था कि मिसर और शाम की फौजें इससे आ मिलेंगी सुल्तान का बड़ा बेटा अलमलिक जिसकी उम्र सोलह साल थी एक मशहूर सलार मुजफ्फरुद्दीन के साथ जा मिला याद रहे, ये वही मुजफ्फरुद्दीन है जिसकी शादी बाद में सुल्तान सलाउद्दीन अयूबी की बहन रबिया खातून से हुई इस तरह सुल्तान की सारी फौज जमा हो गई। सुल्तान ने अपने सलारों से मशवरा करने और उनको हिदायत देने के लिए आखिरी बार जमा किया और कहा अल्लाह तुम्हारा मददगार हो दिलू ऐसी अपने अजीजों और अपने घरों का ख्याल निकाल दो और दिलू में कबला अव्वल का ख्याल बसा लो और दिलु में खुदाए जुल का इसमें मुबारक नक्श कर लो जिसने हमें ये शादत बख्श की हम किबला अवल को आज़ाद कराए और अपनी बहनों बेटियों का इंतकाम ले और इसी कोशिश में शहादत से सरशार शार हो हमारी तादाद दुश्मन के मुकाबले में कम है और आपका मुकाबला बेरहम सलीबी फौजियों के साथ है सुल्तान ने कहा की आप जानते हैं की मैं हर जंग जुम्मे के मुबारक दिन करता हूँ मैं इस वक्त आगे बढ़ूंगा जब मस्जिदों में कौम खुतबा सुन रही होगी ये वक्त कबूलियत का होता है मैंने हर कस्बे और हर गाँव में इतला भिजवा दी है की जुम्मे के रोज दुआओं में अपने इन मुजाहिदों गाजियों और शहीदों को शामिल करें जो की जुमा की नमाज से महरूम होकर मैदान जंग में जख्मी होकर गिरते हैं धोखा यह हुआ कि सुल्तान सलाउदी अयूबी अक्सर छापा मार की जंग लड़ा करते थे जिसके जरिए कम से कम नफरी ऐसी फौज कला के अंदर भी थी और बाहर भी सुल्तान सलाउद्दीन एयूबी ने तेज रफ्तारी ऐसी फौज को इस तरह तकसीम किया कि इस कला के करीब पानी का एक ही तालाब था जिस पर सुल्तान सलाउद्दीन ए कब्जा कर लिया सलीबियों की एक फौज ने सफोरिया के मकाम पर अपना पड़ाव डाला लेकिन सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी आगे बढ़कर मुकाबला करने की बजाय के मकाम पर रुके रहे वो दरअसल को हतीन के करीब लाना चाहते थे जब सलीबी आगे आते नजर न आए तो सुल्तान ने प्यादा दस्ते जरा सा आगे भेजे और हुक्म दिया तिब्रिया को बर्बाद कर दिया जाए लेकिन तिबरिया का कला जरा हट था फौज कले के अंदर थी शहर को बचाने के लिए फौज कले ऐसी निकल शहर रवाना हुई सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी ने इसका रास्ता रोक लिया सिलिबियों की फौज जो कि कले से आई थी उनकी कमान रिचनार्ड के हाथ में थी तिब्रिया कला के बाहर दोनों फौजी आमने सामने हुए तुर्क मीन इस लड़ाई का आंखों देखा हाल इन अल्फाज में बयान करते हैं वो लिखते हैं दोनों के सवारों ने एक दूसरे पर हमला किया सुल्तान सलाहुद्दीन सलाउदी के सिपाही ऐसे तीर चला रहे थे जैसे तेज काली आंधी हो सिलियो को मौत नजर आने लगी थी और मुसलमानों को पीछे दरिया और सामने दुश्मन नजर आ रहा था पीछे हटने के लिए उनके पास कोई जगह न थी सो यून दोनों फौजी इतनी गहर से लड़ी जिसकी मिसाल तारीख में कहीं नहीं मिलते सारा दिन लड़ाई जारी रही सुल्तान सलाहुद्दी दिन अयोबी की फौज ने दुश्मन को परेशान रखा दुश्मन की फौज और घोड़े प्यासे थे लेकिन पानी पर मुसलमानों का कब्जा था अगले रोज सलीबियों ने पहाड़ियों पर चढ़कर लड़ाई लड़ी, लड़ी। मुसलमानों ने काफी ज्यादा हिम्मत से सलीबियों पर वार किए मगर वो बुलंदियों से फायदा उठा रहे थे मुसलमानों के पास काफी ज्यादा सिपाही थे इसलिए उन्होंने इसका फायदा उठाकर पूरी पहाड़ी का घेराव कर लिया और अपने सिपाही पहाड़ियों पर भेज दिया सेलीबियों ने मुसलमानों पर तीर बरसाना शुरू कर दिया शोदा की तादाद तो काफी ज्यादा बढ़ गई थी लेकिन मुसलमानों ने इन पर अपनी हक बिठा दी आखिरकार सलीबियों ने देखा की इनके मुल्क का झंडा कहीं भी नजर नहीं आ रहा तो उन्होंने अपने बादशाह को ढूंढना शुरू कर दिया लेकिन वो मैदान छोड़कर भाग चुका था हालांकि उसने अपनी फौज से मैदान न छोड़ने का हल्फ उठाया था सलीबियों के भागने के तमाम रास्ते बंद हो चुके थे अब सलीबी दिफाई जंग लड़ रहे थे मुसलमानों ने लकड़ियाँ जमा करके सलीबियों के इर्द गिर्द आग लगा दी रात को सुल्तान की फौजें घास और लकड़ियाँ जमा करती और आग तेज करती रहती दिन भर के थके प्यासे सलीबी बुरी तरह नाकाम हो चुके थे इनमें से एक ने भागने की कोशिश की लेकिन मुसलमानों ने इनमें से किसी को भी जिंदा न जाने दिया दूसरे दिन की फौज ने हथियार डाल दिए तीन जुलाई ग्यारह के रोज सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी ने अपने मनसूबे पर अमल करना शुरू किया जो की कि सुल्तान ने हतीन के लिए बनाया था और कमाल की बात यह भी जुमा का मुबारक दिन था सुल्तान के जासूसों ने सुल्तान को यह इतला दी की सिलिबियो की फौज ने इतहाद कर लिया है सुल्तान ने इस बात को मद्देनजर रखते हुए अपनी फौज की तकसीम नकलो हरकत और जंगी चालें सोच ली थी सुल्तान सलाउद्दीन यूबी बड़ी होशियारी से दुश्मन को हदीन के मकाम पर ले आए जहाँ वो लेके आना चाहते थे इर्द गिर्द के कले और आबादियों पर सुल्तान पहले से ही काबिज थे, और मौसम का कहर भी सुल्तान के हक में था सुल्तान सलाउद्दीन अयूबी के जाल में आया तो वो जान ना सका सुल्तान सलाउदी एयूबी की नहाय खूबी और तकसीम की फौज के शिकंजे में आ चुका है सुल्तान सलाउद्दीन ऐूबी के छापा मारू ने दुश्मन की देखभाल की चौकीों और गश्ती पहरादारों को तबाह बर्बाद कर दिया सुल्तान ने ना तो इन्हें रात को आराम करने लिया और ना दिन को जर्म लो को एक लम्बा भी सोचने का मौका नहीं मिला और बाला आखिर चार जुलाई ग्यारह सौ सतासी ईस्वी के रोज सुल्तान सलाउद्दीन अयूबी की फौज के दरमियानी हिस्से ने आमने सामने होकर जंग लड़े पहाड़ियों की वजह से इनका रास्ता तंग हो गया और सिलीबी जब इधर उधर भागने की कोशिश करते तो बुलंदियों पर बैठे तीर अंदाज उन पर तीर बरसाते सुल्तान सलाउद्दीन एयूबी की कैफियत ये थी की सुल्तान कभी नीचे और कभी ऊपर चढ़ते जाते और उनके बर्क रफ्तार कासिब सुल्तान के पास पैगाम लाए जा रहे थे सिलीबियों के घोड़े प्यासे थे और पानी सामने होने की वजह से इनकी प्यास में मजीद इजाफा होता गया ने मजीद ताकतवर दस्ते मंगवा कर एक जवाबी हमला किया जो की उनकी आखिरी उम्मीद थी जहाँ उन्होंने हमला किया वहाँ की कमान सुल्तान सलाउद्दीन अयूबी की एक सलाहारीन के हाथ में थी कुछ मार्खिन इसका नाम उर्फाली लिखते हैं और कुछ के मुताबिक वो अच्छि था तकियद्दीन ने अपनी कामयाब हमत अमली ऐसी इस दस्ते को तहस नहस कर दिया सेलिबियों की फौज अब मुकम्मल तौर पर कमजोर हो चुकी थी और अब वो दिफाई जंग लड़ रहे थे जंग की सूरत हाल मुकम्मल पर बदल चुकी थी इनकी कुछ दस से उनसे दूर बैठे जंग का इंतजार कर रहे थे जब उन्होंने पेश कदमी की तो सुल्तान सलाउद्दीन के सरहद ने उनके इरादे खाक में मिला दिए और ये पहला और आखिरी मौका था की इक्का का पादरी यानी सलीब आजम का मुहाफिज अपनी सलीब के साथ मैदान जंग में मौजूद था यानी जिस सलीब पर सलीबियों ने इस्लाम को खत्म करने के लिए हलफ उठाए थे वो सलीब मैदान जंग में लाई गई थी मगर सलीबी बादशाहों ने पेश दिखानी शुरू कर दी इक्का का पादरी इस जंग में मारा गया और सलीब सलमानों के कब्जे में आ गई कुछ तारीख दानों के मुताबिक वो सलीब मुसलमानों के कब्जे में ही रही और कुछ के मुताबिक बैतुल मुकदस की फतह के बाद सुल्तान सलाउद्दीन अयूबी ने एहतराम के साथ वो सलीब ईसाइयों को वापस कर दी थी शाम तक जंग हथीम का फैसला हो चुका था ईसाइयों के जानी नुकसान का कोई शुमार न था बाकी फौज ने हथियार डाल दिए थे सुल्तान सलाउद्दीन ऐबी के सामने जो कैदी लाए गए थे उसमें छह कैदी सबसे अहम थे और वो सारे के सारे गवर्नर थे जिन्होंने इस जंग की जंगमत अमले में एतिहाद कायम किया था इनमें से एक करिक का गवर्नर भी था जिसे सुल्तान सलाउद्दीन एयूबी ने अपने हाथ से मारने की कसम खाई थी रिचनाल्ड के सिवा बाकी छह इतिहादी भी थे जिसमे मार्खिन लिखते हैं की सुल्तान सलाउद्दीन एयूबी ने सलीबी बादशाह जेफरी को शरबत पेश किया जेफरी ने आधा शरबत पी कर गिलास रिचनाल्ड को दे दिया रिचनाड शरबत पीने लगा तो सुल्तान सलाउद्दीन अयूबी ने अपने तर्जमान से गरज कर कहा कि इस रिचनाड से कहो कि इसे मैंने नहीं इसे इसके बादशाह ने शरबत दिया है पहले अरब सिर्फ उस मेहमान को शरबत पेश करते हैं जिसकी वो जान बख चुके हों हाँ। सो मैंने रिचनार्ड को शरबत पेश नहीं किया सुल्तान ने से कहा कि इन सब को खाने पर बिठाओ जब सब खाने, वाले में खाना खाने लगे तो सुल्तान ने जेफरे और को अपने में बुलाया। सुल्तान ने से कहा कि तुम हमेशा हमारे तोहहीन करते रहे हो तुम्हारी निजात इसी में है की तुम इस्लाम कबूल कर लो रिचनाड ने इनकार कर दिया सुल्तान सलाउद्दीन अयूबी ने कहा की मुझे तुम यही उम्मीद थी सुल्तान ने तलवार निकाली और इसका गला दिया सुल्तान ने नफरत के लहजे में हुक्म दिया इस नापाक लाश को बाहर फेंक दो सलीबी बादशाह जैफरी ने जब अपने इतहादी का ये अंजाम देखा तो उसके चेहरे पर उड़ने लगी वो समझ गया की अब उसकी बारी है सुल्तान सलाउदी ने उसे देखा तो आगे बढ़कर उसके कंधे पर हाथ रख दिया और तहमल से कहा बादशाह बादशाहों को कत्ल नहीं करते लेकिन उसके गुना ऐसे थे की मुझे इसे अपने हाथों कतल करने की कसम खानी पड़ी अतीम की फतः इसलिए भी अहम थी की सुल्तान सलाहुद्दीन एयूबी ने अर्ज फल का दरवाजा तोड़ दिया था और उस में दाखिल हो चुके थे इतना वसी इलाका फ़तेह करने के बाद सुल्तान सलाउद्दीन अयूबी के लिए बैतलमक़दस को फतेह करना आसान था